मेरे बहुत फैंस है, मेरे बहुत नहीं बहुत स्पेशल मोमेंट था वो, बहुत ज्यादा लाइट खूब से चक्कर के बीच से ये बिना बात प्रभात एवरीवन, प्रणाम आप लोगों को, होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी जो व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं परेड ग्राउंड से, जहाँ पे हम लोगों का शो होने वाला है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं, लगभग 8 बजे पहुँच गए थे हम लोग, अभी लाइट्स लग रही हैं, को ले चलता हूँ मैं अंदर, ये देखिए। और एक और चीज़, कल ही श्रीनगर में फॉग लगना स्टार्ट हुआ है ना, उससे पहले कहाँ होता था, यहाँ पे भी सारा दिल्ली वाला माहौल हो रखा है, सारी जगह फॉग ही फॉग हो रखा है, जनवरी या फरवरी में होता था। हाँ, ये वाला। तो जा रहे हम लोग स्टेज की तरफ, पर स्टेज बहुत बड़ा है और ऑडियंस के लिए भी काफी खुला खुला माहौल सा है यहाँ पे, देखो ये देखो। और बहुत से इवेंट्स भी हो रहे हैं यहाँ पे, और हम लोग तो कल आ गए थे यहाँ पे रैकी करने स्टेज का, देखो लाइट चढ़ रही है स्टेज, ये बहुत सही है। हेलो एंजेलिना, कैसे हैं आप, कैसा लग रहा है आपको आज दोबारा इसी जगह पे आके शो करके? ये देखिए अभी सामान लग रहा है, बाहर का जो हमारा स्टेज है वो काफी बड़ा है। तो 10:30 बजे हमारा सामान सेट हो गया है स्टेज पे। अभी तो मेरे कान में आवाज़ आ रही है क्योंकि इनर्स पहने हुए वायरलेस इन ईयर्स, मैं बढ़िया गा रहा हूँ। वैसे मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मुझे सर्दियों का मौसम ज़्यादा पसंद है गर्मियों के। और अभी जैसे ना एक, अभी मैं आपको बता दूँ क्यों बोला मैंने, अभी मैं यहाँ पे बैठा हुआ तो दिल्ली में जब शो हुआ था कुछ खास था मेरे लिए, वही वाला मुझे अभी फीलिंग आ रही है। तो मैं ऐसे ही बैठा हुआ स्टेज पर और था कुछ बहुत स्पेशल मोमेंट था वो, बहुत ज़्यादा बहुत याद आ रही है, बहुत ज़्यादा याद आ रही है लिटरली। साउंड चेक होगा थोड़ी देर में हमारा, तो अब हम लोग 1 बजे हम लोग का हो रहा है साउंड चेक, ऐसा कुछ है। इधर एक राइजर लगे हुए हैं, तो इस बार का जो पोजीशन है वो ईशान बिलोक वहाँ पे रहने वाले हैं ऊपर, और हम लोग यहाँ आ गए। और यहाँ से हमारी लाइट्स मैनेज होंगी, नहीं जलाना। तो अभी थोड़ी देर में आप एक साउंड सुनोगे यहाँ पे, उस साउंड का मतलब होता है फीडबैक कंट्रोलर। जैसे कि आप लोग एक साउंड सुनते हैं ना, जैसे कि स्पीकर के पास या माइक्स लेकर जाते हैं तो एक आवाज़ आती है टू, तो आज की जो टेक्नोलॉजी है वो इस प्रकार अपनी एडवांस हो चुकी है कि वो फीडबैक कंट्रोल कर देती है। अभी शायद वो आवाज़ आए, मैं आपको सुनाता हूँ आवाज़। तो उधर ईशान भैया हैं, वो लोग जो साउंड मैनेज कर रहे हैं, टू, ये देखिए ये आवाज़ जो आपने सुनी अभी, ये है फीडबैक कंट्रोल करने के लिए। दोबारा से सुनिए अभी आप, इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि इंसान का काम आसान कर दिया इसने। करते हैं साउंड चेक, फिर करेंगे शाम को मज़े। लोग आने लगे, ड्रम चेक होने के बाद अब ये हो रहा है, वाह क्या बात है। अभी क्या हुआ, जैसे कि हम लोग साउंड चेक करने वाले थे, बच्चे आ गए हैं बहुत सारे, तो बस अभी सबका एक एक करके साउंड चेक हुआ, ओवरऑल साउंड चेक हुआ। इससे देखो यार, ये लग रही है खूबसूरत चीज़। छुप ना जाओ जी, क्या कर रहे हो तुम लुकी लुकी, क्या करना चाहते हो? आप लोग बस मात्र 3 लोग, कुछ बताओ रे, मैं क्यों बोल रहा हूँ? आप 3 लोग सारे काम आप आता रे, बता रे। अरे हम ये गलती देखते हैं ना, ये अनिल ने क्या गलती की, जैसे चश्मा पहन के पीछे मुड़ता है, हंसता है, तब भैया बोलता है वेलकम गाइस दिस इज माय व्लॉग, एंड आगे नहीं आता यार मेरे को, मेरे बस की नहीं यार व्लॉग बनाना, एक बार ट्राई करो। सो हेलो गाइस, दिस इज मी दीपक मेथानी, आप लोगों के बीच में लेकर आया एक नया व्लॉग। अच्छा नहीं हो रहा ना, बंद कर दिया स्क्रीन पे, नहीं स्क्रीन पे टैप कर, वो ऑन है, वीडियो पसंद रहा है, ये है हाल तुम्हारे व्लॉग बनाने का। कितना शानदार है यार ये स्क्रीन पे जो आप देख पा रहे हो ना। ईशान भाई क्या कर रहे हो आप? अरे यार मेरा ना एक सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो गया कॉन्टैक्ट, तो इसीलिए हम लोग रुके हुए हैं ना यार वो स्टूडियो में अपग्रेड हो गया,
और हमारे गिग परफॉर्मेंस में चल नहीं रहा। तो ये देखा, ये भी ओनर टेक्निकल फॉल्ट है, गलती तो मेरी है, पहले टेस्ट करना चाहिए था। और मैं सिर्फ डांट सकता हूँ, मुझे कोई डांट नहीं सकता। और हम डांट खा सकते हैं, और खाते भी हैं। तो बना सकते हो तुम और इधर एक अलग ही महफिल जमी हुई है भाई साहब, क्या महफिल जमी है इधर यार। ढोलक सीख रहा हूँ राखी से, कान पकड़ के लीजिए उनका नाम, बिल्कुल। हाँ, 2008 राखी चंद नठानी, राखी चंद। सब ठीक है, लेकिन हम मुंह क्यों बना रहे हैं? मेरे फोन खोलो तो इसकी एक फोटो दिखाता हूं। यार अभी ना क्या हुआ, मैं अमरूद खा रहा था ना, भाई साहब ने ऐसी फोटो ली कि वो दिखाने लायक भी नहीं है वो फोटो। रिमूव, इनको अनफॉलो करें। ये है वो व्यक्ति जिसको अनफॉलो करना है आपको, और राकेश जी को फॉलो करें जिन्होंने अमरूद खिलाए हमें। ये ट्रोड़ा ना बीच से टूट रही है, उसका एंगल देखो यहाँ पे, लाइट थूक से चिपका रही है बीच से, छोटे बच्चे ये देखो यहाँ पर थूक से चिपकाई है। अब सारा थूक निकल रहा है बाहर। अच्छा कौन चिपकाता है, वो भी अगर इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है तो आपको थोड़ा चीज़ों का ध्यान देना चाहिए ना। बाहर से कुछ ये इस प्रकार का दिखता है, और देखो आप कुछ इवेंट भी हो रहे हैं, मैं आपको वो दिखाता हूँ कि इस तरफ हो रहे हैं। ये देखिए बच्चों में कितना उत्साह है, नाइस। क्या बात है, छोटे छोटे बच्चे, और देखो इनका हिम्मत तो चाहिए ये काम करने के लिए। सारे इवेंट्स ही इवेंट्स हो रहे हैं। अरे वो हो रहा है यार, पिट्ठू नहीं खेलते थे हम बचपन में, पिट्ठू नहीं खेलते थे, पिट्ठू ऐसे बॉल मार के भागो, भाई मज़ा आ गया इसको देख के, तो मेरे को वो फील हो गया, बचपन याद आ गया। आपको जाना भाई साहब, जाओ जाओ इसको बॉल मारो, फिर दूसरी टीम, ये देखो ओए होए मज़ा आ गया। कल पाबंदी भाई का प्रोग्राम है यहाँ पे। और एक बात बताइए, हमारा तो चलो आप देखिए रहो ये सब चल रहा है, आपका क्या चल रहा है ये बताओ यार मुझे, मेरे को ये भी जानना है। आप ये सब स्क्रीनशॉट है, आगे हमारा, ओह सॉरी ये है, ये भी हैं, क्या नाम है आपका? ठीक है बोन सर टिकोला। ओके जरा डोले शोले तो दिखाओ अपने, ये भी ना बात, इसी से तो डरते हैं लोग आपसे, ऐसी मीट्स होती है। देखिए यार मैं ये बोल रहा था कि और आप बताओ आप लोगों का क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है ना, हम तो कर ही रहे हैं अपना काम, आप लोग बताओ। तो साउंड चेक होने के बाद हम लोग गाने का इंतज़ार कर रहे हैं, फिर स्टेज पे जाएंगे। अभी टाइम हो रहा है आपका 4:30, 6 बजने वाला है, और हम लोग पी रहे हैं कॉफ़ी, और उसके बाद हम लोग जाएंगे स्टेज पे। हर बात दीपक भैया अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, बात है भाई, इज़ अ गुड गाय। आप घर आ चुके भाई, आप कॉफ़ी जो पी है ना भाई, मज़ा आ गया उसमें, जो सुर आपके लगे हैं ना भाई, गरज गरज आज में। अरे वो कौन सा गाना, कौन सी रील थी उसकी? क्या बात है, अब हमारा थोड़ा बहुत वार्म अप करने के बाद हम लोगों ने आपको थोड़ा सा एक मुखड़ा मुखड़ा दिखाया कि ऐसे भी तरीका होता है वार्म अप करने का, तो हम लोग थोड़ी देर में स्टेज पे जाना है। यहाँ पे बड़े रैंप वॉक नहीं हो सकता हमारा इधर, हाँ ना जरा, वाह भाई ओछा यार, ओछा ओछा, प्लीज लगा हुआ है भाई, रैंप वॉक हो जाए, रैंप वॉक वहाँ से निकल, जलवा फैशन का है, बाहर आना कोई नहीं है भाई, मैं यहीं पर रहूँगा। अबे इधर आ रहा था, बट आ जाओ भाई, आओ ना यार, टेक 1,01,022 एक्शन।
तो बस थोड़ी देर में हमारी रवानगी है स्टेज की तरफ। ते ऊंचा कैलाश पे झामा हे गोरा, ते ऊंचा कैलाश। तो मैं बताता हूँ क्या हुआ है। अभी हुआ ये कि रैंडमली हमें पता चला कि मतलब गाना था हमारा, नंदा हमारा गाना है नंदा त्रिडोर, लेकिन वो लिस्ट में नहीं था। तो अचानक याद है दीपक भैया को वो गाना होता है तो वो इसका रिहर्स करते हैं, तो इसी वजह से मैंने वो चीज़ दिखाई आपको। और बहुत वाइब गाना, मेरा तो वन ऑफ द फेवरेट गानों में से एक है, मुझे बहुत ज़्यादा वाइब आती है इस गाने में, है ना। एक तो वो माँ नंदा जी का है और दूसरी बात उसको गाते हैं हमारे दीपक भाई हैं, जो कि बहुत अच्छा बखूबी उसको निभाते हैं उस गाने को। और मुझे बहुत अच्छा, मतलब मैं कभी कभी इतना इमोशनल हो जाता ना इस गाने को स्टेज में जब परफॉर्म करते हैं हम लोग, भाई बहुत ज़्यादा भावुक भावुक का माहौल होता है उस टाइम। देखिए हमारे बीच दो एक हीरो एक हीरोइन। अरे वॉक करते हुए आओ ना, रैंप वॉक। ये देखो रेड कारपेट बिछा रखा है आप लोगों के। क्या बात है यार, क्या बात है। एक्टिंग बहुत ही वाहियात थी, गाते अच्छा हो। मेरी तारीफ हो रही थी यार, तारीफ हो रही थी मेरी, दिखाया नहीं आपने। ये राशि जी है भाई, तो मैं अरे बहुत लोग बोलते तुम लड़कियों की क्यों नहीं गाते, ये है लड़की, हाँ ये है लड़की लोग। ये राशि जी बहुत अच्छा गाती है, हर बार मैंने बोला है, और बहुत अच्छी है। और एक और चीज़, कुछ नहीं, मेरे को बहुत बुरा लग, दिल गदगद हो गया मेरा यार। ऐसी बातें मत बोलना। आज राकेश भाई ब्लॉग करेंगे और दिखाएंगे। क्या कर रहे हैं आप? वाओ हां भाई, कंडो को अच्छे लग रहे हैं। सच में? हां मतलब लग रहे हैं अच्छे से, कार्यक्रम निपट मतलब अच्छे से हो सब कुछ ठीक है। गलत बोल मत ना। ये अंजलि और ये शिवानी जी। मेरा तो चल रहा भैया यहां से कुछ देर और मजे करेंगे। मुझे कहीं और जगह नहीं मिली तो मैं यहीं आ गया बाथरूम के अंदर। सानी धापा मगर बस थोड़ी ही देर में हमारी रवानगी स्टेज की तरफ। हे जी सा रंगा रंगी हो जाए जरा, जल्दी 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 जाने वाला हूँ स्टेज पे। बढ़िया घूमना चाहिए आपका खागरा। Are you ready everyone? बस थोड़ी देर में हम लोग स्टेज पे रंगर वाली सीन हो रहा है, मतलब आप इन्हें क्या शुरू कर देना, पता नहीं आपका आवाज़ आ भी रही हो कि नहीं आ रही, मुझे ये भी नहीं पता। हल्ला देखिए, हल्ला सुनिए, हल्ला भाई, इस हल्ले को मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, इस हल्ले को मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। और भाई माहौल देखो पीछे हमारा यार, एंट्री होगी ना तब पता नहीं क्या होगा। चलो भाई भाई मेरी आवाज डाल दी, लेट्स गो। भाई बहुत हल्ला यार। 1 2 3 4 Thank you.
फोटो सेशन चल रहा है, बहुत ही तगड़ा, बहुत ही तगड़ा फोटो सेशन चल रहा है भाई। मतलब मेरे GoPro की मेमोरी फुल हो गई है राकेश जी, है ना। उसके बाद मैं भैया के फ़ोन से कर रहा हूँ ब्लॉग शूट का। हाँ भैया, अच्छा हाँ लेता हूँ। लव यू सो मच भैया, लव यू सो मच। थोड़ा सा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ भाई। प्यार ऑडियंस का यार बहुत ज़रूरी है यार ये प्यार। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों के प्यार के बिना कुछ हो सकता है? बिल्कुल नहीं सर। ये हमारा चौकीदार है, हमारी वीएन बॉम्बर से बहुत मजा आया भाई। आप लोगों की वजह से तो हम लोग यहाँ पे बहुत मजा आया यार। सर एक एक ही बात बोलूंगा, हम लोग आपके फैंस नहीं, हम आपके सपोर्टर्स हैं। थैंक यू सो मच, लव यू सर, लव यू, थैंक यू सो मच यार। फोटो सेशन थोड़ा बहुत भाई, इतने लोग थे ना, क्या बताऊँ आपको तो मैं, इसलिए मैं तनाव लो लोग बोल रहा हूँ भाई। पूरी पब्लिक बंदा तो शांत खड़ी थी, वो डबी करो काम, यहाँ काम यहाँ पर करो, जो भी काम करना है यहीं पे आके करो दोस्तों। एक आधा घंटा लगा दिया ना सब्सक्राइब करने में, आधा घंटा लगाया अभी भी किस टाइम ये आज सब लोग वीडियो बनाने के चक्कर में काम कर रहे हैं भाई, सब लोग इतनी सब लोग ऐसे जैसे मंदिरों में लगाते हैं ऐसे हाथ, वैसे काम करते हुए हाथ लगा रहे हैं ऐसे। मैं भी लगा रहा हूँ, मैं पूरा लेवल पे लगा रहा हूँ कर रहा हूँ का शक्ति मां शक्ति 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 रे वाह। अब बोलो ना, अब बोलो बिग फैन, बोलो बिग फैन से, मेरे बहुत फैंस हैं मेरे बहुत। नहीं 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 ये मैं स्लो डालूंगा, तारीफ हुई है मेरी, मेरी तारीफ हुई है इसमें, टाइमलेस समझ के कुछ भी करते हैं। कोई बात नहीं ना, वो अच्छा हो गया जो भी हुआ है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग? अब हम लोग कर रहे हैं बेकार सा व्लॉग बना रहे हैं अनिरुद्ध, बेकार नहीं ये मजा आ गया हमारा। अच्छा वैसे आप तो हमारा आउट साउंड सुन रहे थे ना, कैसा आ रहा था? क्या बात है, बस ये मत बोलो यार, बहुत ही बढ़िया आ रहा है आज का शो। और अब सब पैक करने के बाद हम लोग जाने वाले हैं अपने घर, है ना। क्या बात, बहुत थक गए यार आज, बहुत कमर में दर्द हो गई यार, कमर हो गए, कान हो गए दर्द, क्योंकि फीडबैक जो आ रहा था ना भाई ऑडियंस का, जो प्यार था, ओ माय गॉड क्या ही। अरे अभी तक मेरे कान में कान सुने ऐसे टू मजा सुनाई दे रहा है मेरे को, पता है क्या वो इन ईयर के अंदर तो जो भी आ रहा था, लेकिन जब इन ईयर हटे ना भाई उसके बाद जो कान में आवाज आई लोगों की भाई, ना लोग इतने ज्यादा थे और इतना ज्यादा हुटिंग कर रहे थे, इतना ज्यादा शोर आ रहा था कि जो हमारा माइक था वो शोर भी माइक पकड़ रहा था, हमें कान में वो सुनाई दे रहा था, मुझे तो सुनाई दे रहा था यार। तो ये देखिए शोर तो, ये देखिए मतलब आपका प्यार तो बहुत जरूरी है, क्या बात है आपके प्यार की, तो मिसाल दूंगा मैं लोग जगह जगह, खुद देख के भी शौक था, हमें बहुत अच्छा लग रहा था, बट ये है कि बहुत ज्यादा नॉइस थी जो हमें सुनाई, और अनएक्सपेक्टेड था इतनी भीड़ भाई। क्या खा के आते हो आप लोग, है मजा ही आ गया। अब पैक करेंगे हम लोग, चले जाएंगे अपने अपने घर, हाँ। शुभ रात्रि बोल देता हूँ, 12 बज गए हैं। हाँ 12 बज गए, देखो लगे आचिन साहब, चलो गुड नाइट। हाँ लो लो लो